सो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप WhatsApp पे जब भी किसी को भी मैसेज करते हो तो जब भी वो मैसेज को देख लेता है तो आपको ब्लू टिक का एक साइन नज़र आता है, जहाँ पर मैं आपको बेच के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने अपने दूसरे नंबर पर मैसेज किया तो मैं यहाँ पर मैसेज को देख भी लेता हूँ, दूसरे नंबर से देख लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे ब्लू टिक नहीं नज़र आया। तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना क्योंकि सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं क्योंकि इस वीडियो का लाइक का एम है 50 लाइक आपको करवाने हैं। मुझे पता 100% आप करवा दोगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटे के बटन दबा दें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मैं लेके आता रहता हूँ। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको चले जाना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है राइट के टॉप पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है सेटिंग्स पे। उसके बाद यहाँ पर आपको चले जाना है अकाउंट्स पे। इस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्राइवेसी, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा रीड रिसिप्ट्स, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसे ऑन करने से आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगेगी। यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, बाय।